हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 25 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स आर्बिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यू डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है एंजल टैक्स के बारे में। तो क्या है एंजल टैक्स? इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GS3 में बेसिकली इसका यूज वो होता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे, एंजल टैक्स के बारे में। देखो, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम अनअकेडमी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई भी ऐसी कोई स्टार्टअप वगैरह ओपन हो रहा है, अनअकेडमी का एग्जाम्पल ले लो कि भाई नई कंपनी है, अपना बिजनेस सेटल है, वो करना चाह रही है। तो आपको पता है कि नई कंपनी के पास पैसे की शॉर्टेज होती है, तो वो क्या करती है, पैसे बाहर से इन्वेस्टर से पैसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि कोई भी इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट कर सकें। तो कई बार क्या होता है कि जैसे किसी भी इन्वेस्टर ने पैसे इन्वेस्ट करे, ये एग्जाम्पल ले लो आप कि अनअकेडमी है, इसको जैसे कि पेटीएम ने फंड दिया कि भैया हम आपको 30 करोड़ रुपए दे रहे हैं ताकि आप इसमें अपनी कंपनी की ग्रोथ है वो कर सको, और बदले में क्या होगा, बदले में अनअकेडमी पेटीएम को कुछ शेयर दे देगी कि हाँ ठीक है भाई, आप अपने शेयर होल्डर या अपने हिस्से इतनी हिस्सेदारी है वो हमारी कंपनी में ले लो। अब आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे अनअकेडमी क्या करेगी, अनअकेडमी भी मार्केट में शेयर जारी करेगी। अब देखो मार्केट में मानो कि अनअकेडमी का एक शेयर है वो 100 रुपये का है, और अनअकेडमी क्या करेगी, उस शेयर को 110 रुपये में बाहर बेचेगी, क्योंकि देखो कुछ तो प्रॉफिट कंपनी को चाहिएगा। अगर वो 110 रुपये में बेच रहे, इसका मतलब कंपनी का पर शेयर मुनाफा 10-10 रुपये होगा। तो इस तरीके से जो मुनाफा आएगा ना, इस मुनाफे पर भी टैक्स पे करना होता है, और उसको कहते हैं एंजल टैक्स। तो ये ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्टअप कारोबार के विस्तार के लिए पैसे जुटाते हैं, और इस एवज में जो पैसे देने वाली कंपनी या जो संस्था है वो क्या करती है, शेयर जारी करती है। जैसे कि अनअकेडमी शेयर जारी करेगी अपने, और बेसिकली होता क्या नॉर्मली कि जो शेयर होते हैं ना वो वाजिब कीमत से ज़्यादा रेट पर मार्केट में आते हैं, और ज़्यादा रेट पर आएंगे तो कुछ जो कंपनी को प्रॉफिट होगा उस पे प्रॉफिट पे बेसिकली जो इनकम होगी उसको इनकम जमाना जाता है कंपनी की, और उस पर जो टैक्स लगता है उसको बेसिकली एंजल टैक्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जिस भी स्टार्टअप को नई स्टार्टअप को कोई भी पैसा प्रोवाइड करवाता है, जो फंड मिला इसको, वो हो जाएगा एंजल फंड। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि अनअकेडमी को पेटीएम कंपनी अगर पैसे दे रही है कि हाँ भाई आप 30 करोड़ रुपये लीजिए, हम आपको यहाँ पे इन्वेस्ट वो कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तो 30 करोड़ रुपये एंजल फंड के नाम पर यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। और ये जो भी पैसा यहाँ पे वसूला जाएगा टैक्स में, एंजल टैक्स में, वो बेसिकली इनकम टैक्स के तहत वसूला जाता है। तो ये ध्यान रखना, इनकम टैक्स यानी कंपनी की इनकम हो रही है, क्यों, क्योंकि शेयर की रेट तो थी मार्केट की 100 रुपये, कंपनी शेयर जारी है 110 रुपए का, तो यहाँ पे ये फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे जो पैसे इन्वेस्ट करा ना, जैसे कि अनअकेडमी का एग्जांपल है, और अनअकेडमी में कौन पैसा इन्वेस्ट करा था, पेटीएम, तो पेटीएम यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स के नाम पे जाना जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि एंजल इन्वेस्टर कौन होता है, एंजल टैक्स क्या होता है, एंजल फंड है वो क्या होता है। अब देखो, जो एंजल इन्वेस्टर्स की हम बात करें, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि अनअकेडमी एक नए स्टार्टअप ओपन करने जा रही है और उसको फंड राइट चाहिए, तो फंड के लिए क्या करेगी, अपने बिजनेस मॉडल को, मतलब जो भी कंपनी है, जिसको भी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन को भी दिखा सकती है, या फिर किसी भी कॉरपोरेट ग्रुप को कि भाई ये हमारा प्लान है, आप इस प्लान पर पैसे इन्वेस्ट करिए, आपको जो भी प्रॉफिट होगा उस पर हम पैसा डिवाइड करेंगे। अब देखो, हम बात करें एंजल इन्वेस्टर्स की ना, एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जैसे कि मान लो कि टाटा हो गया, बिरला अंबानी हो गया, फिर और भी कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकते हैं, अभी कोई कॉर्पोरेट ग्रुप हो सकता है जिसके पास काफ़ी सारे पैसे हों, और जो क्या करता है किसी आइडिया प्लान पे पैसे इन्वेस्ट करता है, तो वो बेसिकली एंजल इन्वेस्टर होता है। अभी देखो न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि जो एंजल इन्वेस्टर्स, जो एंजल टैक्स होता है, ये बेसिकली सेक्शन 56 का जो दूसरा पार्ट है, 56 का टू पार्ट, उसके तहत बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को कवर करने के लिए जारी किया गया था। जो अभी एंजल टैक्स है इंडिया में वो है 30%, तो यह चीज़ भी ध्यान में रखने की, एंजल टैक्स 30% है, और ये जो फैक्ट है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है वो है नेशनल मैथमेटिक्स डे के बारे में। देखो, हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे है वो आयोजित किया जाता है इंडिया में, तो यह हमें ध्यान में रखना है। कब आयोजित किया जाता है, किसकी याद में, वो भी हम देखते हैं। देखो, बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेमस जो मैथमेटिशियन है जिनका नाम है श्रीनिवासा रामानुजन, तो उनकी याद में मैथमेटिक्स डे वो आयोजित किया जाता है, और ये हुआ था स्टार्ट, हम बात करें 2011 से। 2011 में श्रीनिवासा जो रामानुजन थे, इनकी 125वीं एनिवर्सरी थी, और उसी मौके पे इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल मैथमेटिक्स डे डिसाइड किया कि 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे वो मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैथमेटिशियन थे श्री रामानुजन, इनका बेसिकली मैथ के एरिया में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हुआ है। उन्होंने नंबर्स थ्योरी, इसके साथ इन्फिनिटी सीरीज और जो मैथमेटिकल एनालिसिस है, इनकी तरफ काफ़ी अच्छा फोकस और रिसर्च की थी, इसीलिए उनको इस अवार्ड, मतलब ये उनकी याद में नेशनल मैथमेटिक्स डे आयोजित किया जाता है। देखो, जो श्रीनिवासा रामानुजन थे, इनका जन्म हुआ था बेसिकली 1857 में, मतलब अंग्रेजों के टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने मैथ के क्षेत्र में अपना अद्वितीय योगदान है वो दिया था, इसीलिए उनकी याद में बेसिकली नेशनल मैथमेटिक्स डे वो हर साल 22 दिसंबर को आयोजित किया जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है सुपर अर्थ के बारे में। तो सुपर अर्थ है क्या वो हम देखते हैं। देखो कंटेक्स्ट यह है कि अभी जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके बाहर एक प्लेनेट डिस्कवर किया गया है जो कि अर्थ से 5 गुना बड़ा है। मतलब जो बाहर प्लेनेट डिस्कवर किया गया है हमारे सोलर सिस्टम से बाहर, उसका द्रव्यमान अर्थ के द्रव्यमान से 5 गुना ज़्यादा है। तो अब हम एक फैक्ट यहाँ पे ये देखते हैं कि सुपर अर्थ है क्या। सुपर अर्थ बेसिकली उन्हीं प्लेनेट को कहते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं और जिनका मास हमारी अर्थ से ज़्यादा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सुपर अर्थ उन प्लेनेट को कहते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं और उनका जो मास है, उनका द्रव्यमान है, वो हमारी अर्थ से कई गुना ज़्यादा हो। तो अभी जो नया ग्रह डिस्कवर किया गया है उसका द्रव्यमान अर्थ से 5-6 गुना डिस्कवर किया है, वो किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और उसका जो द्रव्यमान है वो जो हमारे देश सॉरी हमारे यूनिवर्स में, हमारे जो ब्रह्मांड में आकाशगंगा है उसमें नेपच्यून ग्रह इनसे छोटा है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है कि भाई इनकी साइज़ क्या है। तो यूपीएससी एक तो ये पूछ सकते हैं कि सुपर अर्थ है क्या, तो हमें पता होना चाहिए कि वो ग्रह जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है और हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं और उनका द्रव्यमान हमारी अर्थ से ज़्यादा हो, उनको यहाँ पे सुपर अर्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी देखो क्या डिस्कवर किया गया है, जो भी जो नया ग्रह डिस्कवर किया गया है वो डिस्कवर किया गया है नक्षत्र केसियोपिया में। नक्षत्र केसियोपिया क्या है, देखो तारों के जो समूह होते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अभी एक तारों का समूह है हमारे आकाशगंगा के बाहर जिसका नाम है नक्षत्र केसियोपिया। तो उस केसियोपिया में बेसिकली नया ग्रह डिस्कवर किया गया है जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है, वो भी हम देख लेते हैं। नाम है इसका HD219134। देखो नाम तो कुछ इस तरीके से रखा गया है तो ये हमें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। HD219134b जो कि हमारी अर्थ से ऑलमोस्ट 5 गुना बड़ा है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका यह है कि जो सुपर अर्थ ग्रह डिस्कवर किया गया है वो कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन से बना हुआ है, उसमें लोहे की मात्रा बहुत कम है। तो ये कुछ फैक्ट यहाँ पे आए हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि सुपर अर्थ है वो है क्या। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है कोरोलेव क्रेटर के बारे में। देखो क्रेटर का मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है। तो हम देखते हैं कोरोलेव क्रेटर के बारे में। कंटेक्स्ट ये आया है कि मार्स यानी कि मंगल ग्रह के ऊपर अभी एक आइसी क्रेटर यानी आप देख सकते हो कि बर्फ का एक खड्डा है बहुत बड़ा, वो डिस्कवर किया गया है। ये डिस्कवर किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। देखो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन था जिसका नाम है मार्स एक्सप्रेस मिशन। ये मिशन लॉन्च किया गया था 2003 जून में और इसके बाद ये मार्स से पहुंचे। इसका काम था कि मंगल ग्रह की स्टडी करना। तो उसकी स्टडी के थ्रू पता चला है कि मंगल ग्रह पे एक क्रेटर है वो डिस्कवर हुआ है जो कि आइस का बना हुआ है। तो उसको लेके कंटेक्स्ट है वो आया है। और इस जो क्रेटर है, जो गड्ढा है, इसकी गहराई है लगभग 1.2 मिलियन यानी कि 2 किलोमीटर गहरा ये गड्ढा है। और जो कि हमारी अर्थ के ऊपर जो गड्ढे हैं हम बात करें जो कि ग्रैंड कैनियन, देखो ग्रैंड कैनियन के बारे में हमने सुना होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले आगे, इनसे भी गहरे हैं। ग्रैंड कैनियन की जो गहराई है वो है लगभग 1500 से 1800 मीटर तक। और जबकि ये जो मार्स पे जो खड्डा देखा गया है कोरोलेव क्रेटर, इसकी गहराई है 2 किलोमीटर, मतलब ये उससे भी गहरा है। अब हम देखते हैं ग्रैंड कैनियन। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, आपको पिक्चर देखते ही समझ में आ जाएगा ये है। देखो आपने यूएसए में सुना होगा कि यूएसए में जो रिवर है कोलोराडो रिवर, वो कहाँ से बहती है, वो इसी एरिया से बहती है जिनकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है। ये जो एरिया है ये अर्थ में काफ़ी गहराई में है और इनकी जो गहराई है वो कई जगह तो 1800 मीटर तक की गहराई इनकी है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये है कहाँ पे। कोलोराडो रिवर और कोलोराडो प्लेटू भी है यहाँ पे, तो उसको लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है होंग्यून प्रोजेक्ट के बारे में। तो क्या है होंग्यून प्रोजेक्ट वो देखते हैं। देखो ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है जो कि हमें बस इतना ही ध्यान में रखना है कि चाइना ने अपना पहला कम्युनिकेशन सेटेलाइट लॉन्च किया है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए चाइना ने अपना पहला कम्युनिकेशन सेटेलाइट लॉन्च किया है। अदरवाइज उसके सेटेलाइट अपने पर्सनल यूज के लिए होते थे, जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है। तो यूपीएससी एक तो ये पूछ सकती है कि होंग्यून प्रोजेक्ट मैच द फॉलोइंग में, तो हमें ध्यान में रखना है कि भाई इंडिया का ये नहीं है। चाइना की जो एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री ग्रुप है उसके द्वारा ये प्रोजेक्ट है वो लाया गया था होंग्यून प्रोजेक्ट। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है वो आया है कालिया स्कीम के बारे में। तो कालिया स्कीम है क्या वो देखते हैं। देखो कालिया स्कीम है वो है यहाँ पे कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवहुड एंड इनकम एग्यूमेंटेड स्कीम। ये स्कीम लॉन्च की गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है तो यूपीएससी में भी पूछ ले, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं दोनों ही आर्टिकल। ये तो स्कीम लॉन्च की गई है कालिया स्कीम, ये लॉन्च की गई है उड़ीसा में जो फार्मर्स हैं उनकी हालत को या उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि गवर्नमेंट है वो वहाँ के किसानों को 10,000 रुपये पर ईयर है वो पर फैमिली प्रोवाइड करवाने वाली है।
और इसके लिए एक प्रावधान फीचर्स इस प्रकार रखे गए हैं कि जो लोग गरीब किसान हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनको खरीफ की फसल पे 5,000 रुपये और रबी की फसल में 5,000 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो दी जाएगी ताकि वो अपनी खेती ढंग से कर सकें। तो यह ध्यान रखना कि 5,000 रुपये खरीफ की फसल में और 5,000 रुपये ही रबी की फसल के दौरान दिए जाएंगे। टोटल एक फैमिली को 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जिनके पास ज़मीन कम है ज़्यादा है जिनके पास नहीं है उनको सब वो वैसे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो उसको लेके न्यूज़ आई है, तो हमें ध्यान में रखना है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने किसानों की हालत को इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ताकि वो बीज वगैरह हैं जो भी उनको कीटनाशक वगैरह चाहिए उनका अरेंजमेंट कर सकें उनको 10,000 रुपये 5,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। तो उसको लेके आर्टिकल है। ये थी देखो आज की हमारी न्यूज डिस्कशन। अब एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस किए। सबसे पहले आज हमने एंजल टैक्स के बारे में जाना, एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में जाना, इसके साथ ही हमने यहाँ पे जाना कि नेशनल मैथमेटिक्स डे के बारे में जाना, और इसी के साथ हमने यहाँ पे सुपर अर्थ के बारे में जाना, और नक्षत्र केसियो पिया के बारे में भी जाना कि वो क्या है, मार्स के बारे में जाना, और हमने कोरोलियो क्रेटर के बारे में जो फेंकते हैं उनके बारे में स्टडी की, और मार्स एक्सप्रेस मिशन के बारे में जाना जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मंगल ग्रह की स्टडी के लिए एक मिशन है। इसके साथ हमने कोलोराडो रिवर के बारे में जाना जो कि ग्रेट कैनियन के एरिया में बहती है, जो कि काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे टाइप की जगह है ज़मीन में। इसी के साथ हमने होंग्यून प्रोजेक्ट के बारे में जाना जो कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है, और इसके साथ हमने कालिया स्कीम जाना जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा किसानों की आजीविका को सुधारने के लिए स्कीम लाई गई है। ये थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।